नीकू टीवी के सामने बैठकर अपने दादाजी के साथ बातें कर रहा था और तभी टीवी में अयोध्या के राम मंदिर की न्यूज आई। नीकू के मन में सवाल पैदा हुआ और वो अपने दादाजी से बोला, दादाजी न्यूज में बार बार अयोध्या के राम मंदिर की खबरें आ रही हैं। मैंने तो पहले ये नाम नहीं सुना है, क्या ये कोई चमत्कारी मंदिर है? बताइए ना दादाजी। जरूर बेटा, अयोध्या के राम मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है। अयोध्या श्री राम की नगरी है। दादाजी मुझे जानना है, आप बताइए ना मुझे। अच्छा अच्छा, तो सुनो, कहा जाता है 1528 में बाबर ने यहाँ मंदिर ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर एक मुगल बादशाह था और तब से यहाँ हिंदू और मुस्लिम पक्षों का आपसी विवाद चलता रहा। हिंदू पक्ष कहता था यहाँ मंदिर था और मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए अड़ा रहा। इस जमीन को लेकर कई बार दोनों पक्षों की लड़ाई ने दंगों का रूप भी ले लिया। इस जमीन की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई। ये देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा है। पूरे 492 साल तक इसका विवाद निरंतर चलता रहा। इस लड़ाई में कई मोड़ आए। बाबरी मस्जिद के 3 गुम्बद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे पर श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। दोनों पक्षों में मंदिर और मस्जिद को लेकर खूब तनाव रहा, परंतु 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और आज समाचार में बार बार इसीलिए इसकी न्यूज आ रही है क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन यहाँ राम मंदिर की नींव रखी गई थी। 5 अगस्त 2020 में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की थी। दादाजी क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है? हाँ बेटा, जब से राम मंदिर की नींव रखी गई है तब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और कहते हैं 2024 में 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो दादाजी हम भी वहाँ चलें, राम मंदिर से जुड़ी और बातें सुनने को मिलेंगी वहाँ पर। वहाँ तो मैं तुम्हें ले ही चलूंगा बेटा, पर पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज मेरे साथ रामचरितमानस पढ़ोगे। बिल्कुल दादाजी। तभी नीकू के पापा भी वहाँ आ गए और बोले, क्या बात है भाई, आज दादाजी और पोते का स्पेशल संडे बन रहा है। जी हाँ पापा, अब तक तो रामायण में ही श्री राम के बारे में सुना था, पर आज दादाजी ने जो बताया और टीवी पर जो आया उससे श्री राम के प्रति आस्था और भी गहरी हो गई। हाँ बेटा, आस्था तो गहरी हो गई है। वैसे तुम्हारी जनरेशन तो सिर्फ तर्क पर तभी भरोसा करती है जब तुम्हें मजबूत आधार दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी बातें बता ही नहीं पाते। हमारा धर्म तो सबसे प्राचीन है और बहुत विशाल है, और नीकू जानते हो आज इसके सबूत भी मौजूद हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ अयोध्या घूमने जाएंगे। नीकू कुछ देर बाद पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो सारा दिन अयोध्या के राम मंदिर के बारे में सोचता रहा। रात हो गई और नीकू का परिवार रात को भोजन करके सो गया। नीकू भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नीकू गहरी नींद में सो रहा था कि उसके सपने में अयोध्या की जगमग करती नगरी दिखाई दी। नीकू ने खुद को राम मंदिर में पाया। अरे ये तो रामलला का मंदिर है, कितना सुंदर, कितना भव्य है ये मंदिर, कितनी सुंदर नक्काशी है सभी दीवारों पर, और कितनी शांति है यहाँ, कितना मनमोहक वातावरण है। नीकू अपने सपने में अयोध्या के राम मंदिर में घूमकर आनंद ले रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता मंदिर की नक्काशी उसका मन मोह लेती।
अब वो रामलला की मूर्ति के पास दर्शन करने वाला था। ये तो श्री राम की प्रतिमा है, पर इनके आसपास कौन है? नीकू श्री राम की प्रतिमा के नजदीक गया तो उसने देखा कि भगवान शिव, पार्वती माँ, ब्रह्मा, हनुमान जी एवं सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं। नीकू ने जैसे ही उधर देखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया, कानों में राम सिया राम की ध्वनि गूंज उठी और फिर अचानक नीकू की नींद खुल गई। आह, कितना आनंददायक सपना था। उम्मीद है मेरा सपना अवश्य सच होगा। ये सत्य है, हमारी संस्कृति और परंपराएं सबसे श्रेष्ठ हैं। युगों युगों से हमारे ग्रंथ मानवता का उद्धार करते आए हैं। आज भी हम जब सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारा बेचैन मन शांत हो जाता है। अयोध्या के कण कण में आज भी श्री राम की अनुभूति होती है।